अल्लाह पाक हर किसी की जायज दुआ जायज मकसद को पूरा कर मेरे आका, और सिलाई सीखने में सभी को आसानी फरमाए मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अपनी सिलाई क्लास का 25वां दिन है और हम सीखेंगे पाइपिंग पट्टी लगाने का तरीका नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो बताई हूँ, तो आपने 4 तरीके से सीखे हैं। पाइपिंग पट्टी ये सीधी पाइपिंग है, इसके लिए हमें कपड़ा ये सीधा लेना है जहाँ हमें पाइपिंग लगानी है। इसके बाद ये जो हम पाइपिंग पट्टी लगा रहे हैं तो इसको कपड़ा उल्टा लेना है। ये इसकी चौड़ान 1 इंच से थोड़ी कम लें। इसकी लंबाई पट्टी के अपने जो कपड़ा ले रहे हैं हम आस्तीन घेर या जो भी है हमारा, इसकी लंबाई के हिसाब से ही लंबाई लेंगे। और इसकी चौड़ाई 1 इंच से भी थोड़ी कम लेंगे। अभी आप नए नए हैं तो आप 1 इंच लो। ये आपको दिखाने के लिए मैंने काला तागा ली हूँ। ये पाइपिंग जो है तो इसकी सिलाई, अब तक हम जो पाइपिंग सिल रहे थे उसकी सिलाई इसके ऊपर थी, ऊपर तो हमने मैचिंग धागा लिया। अभी धागा इसके रंग का लेना है। ये देखिए, अब इसके बाद हमें इसके इसको ऐसे पलटाना है इसके ऊपर ऐसे, इसको फिर ऐसे उल्टा करना है। फिर ये जो पट्टी है ना इसको यहाँ तक ऐसे लाना है, और यहाँ पर हमें रफ सिलाई लगानी है, मोटी बड़ी सिलाई ऐसे। अब इसके बाद हमें इसको इधर लाना है, और लाना है ये कपड़े को इसके ऊपर से, इसको पट्टी को ऐसे झकना है। अब हमें कितनी चौड़ी लग रही है पाइपिंग, ये किसी को बहुत ज़्यादा बारीक अच्छी लगती है, किसी को थोड़ी सी ऐसी, किसी को मोटी, आपकी मर्जी, आपको जितना चाहे आप पलटा सकती हो। ये मैं बारीक वाली पाइपिंग बना रही हूँ। अब ये सिलाई के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सिलाई जो है इसके यहाँ खड्डे में आई, इसके ऊपर रहेंगी सिलाई यहाँ से, इसके बाजू में यहाँ चीर में, इसकी चीर दिख रही है ना, ऐसे ही चीर के अंदर सिलाई करें। ये देखिए हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं पाइपिंग पट्टी का अगला नंबर। तो ये है हमारा जाली का कपड़ा, ये देखिए कितना पतला है ये। इसमें से हम जो बार बार तो ऐसा धागा बदलना पाइपिंग के लिए, खादी पट्टी के लिए धागा बदलना तो ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमारा जो धागा है तो ये देखिए ये जाली का कपड़ा है, तो इसके जो मैच करता हुआ जो फूल है इसके ऊपर ये पाइपिंग पट्टी ली हूँ मैंने। अब घड़ी घड़ी है तो पाइपिंग पट्टी के लिए या फिर जरा सी कोर सिलने के लिए इसके लिए धागा बदलना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है, घड़ी घड़ी बदलना मुश्किल होता है। तो अगर हम ऐसे सियेंगे, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ रफ, तो ये रंग उधर से दिखता है, ये देखिए। अब हम अगर इसकी पाइपिंग पट्टी ऐसे पलटाएंगे ना, धागा जो है तो इधर से दिखता है, ये देखिए पीला रंग दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको ये पीला रंग सिलाई का। इसलिए हमें यहाँ पर डबल पाइपिंग लेना होती है, डबल कपड़ा, ये जाली का कपड़ा है इसलिए यहाँ डबल कपड़ा लेना है हमें। हमने इसे 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी काटी है, और इसको ऐसे हमें आधा ऐसा फोल्ड कर देना है, और धागा हमारा ये पट्टी के रंग कपड़े के रंग का रहेगा, पट्टी के रंग का नहीं रहेगा। और ये जाली का कपड़ा है इसलिए हम इसको डबल कर रहे हैं कपड़ा फोल्ड। अगर कपड़ा कभी मोटा है तो ये मैंने आपको ये सिंगल कपड़ा दिखा दिया, ये पट्टी, तो ये पाइपिंग पट्टी जो है तो मैंने सिंगल कपड़े से आपको इसलिए दिखाई, ये कपड़ा मोटा है कॉटन का है या फिर कोई और भी कपड़ा चलेगा इसका, लेकिन जाली के कपड़े के लिए इसको यहाँ डबल करना है, डबल फोल्ड करना है। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, इसका कपड़ा ऐसे रखना ही हूँ, इसको इसके ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है ऐसे। अब ये पीला धागा नजर आ रहा है क्या, डबल होने की वजह से नहीं नजर आ रहा, गौर से देखिए आप। अगर आप ऐसी चौड़ी पाइपिंग लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी हमने पिछली बार 4 बार हमने मोटी पाइपिंग ली, इसलिए मैं अभी बारीक पाइपिंग बता रही हूँ आपको। इसकी सिलाई भी यह चीर में से लेना है, खड्डे में से अंदर से।
ये देखिए हमारी पाइपिंग पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।